शहर के पंजाब एंड सिंध बैंक में अचानक धुआं निकलने से लोग सकते में आ गए। वहीं जैसे ही इस बात की सूचना लोगों को मिली, लोगों का हुजूम बैंक की तरफ बढ़ने लगा। देखा तो बैंक की पिछली तरफ से धुआं निकल रहा था। वहीं मौके पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम आ गई, साथ में बैंक कर्मी भी पहुंच गए, जिनके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि बैंक में पीछे की तरफ जहां स्टोर रूम है, वहां पर यूपीएस लगा हुआ है, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने के चलते यह आग लगी। हालांकि आग फैल नहीं पाई, उससे पहले ही लोगों की तत्परता और फायर ब्रिगेड के बल की वजह से यह आग को पर काबू पाया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि यह घटना रात में घटित होती तो इसका अंजाम कितना भयावह हो सकता था। वहीं दूसरा सवाल यह उठता है कि बैंक में यदि अग्निशमक यंत्र लगे हैं तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया था आग बुझाने से पहले। सवाल बहुत से हैं, जांच के बाद इसके बारे में पता चलेगा आखिर ये घटना हुई कैसे और इसका जिम्मेदार कौन होगा। कैसे आग लगी और काय में आग लगी है? एक इनका पंजाब नेशनल बैंक का कोई स्टोर रूम है, उसमें कवाड़ा रखा हुआ है, उसमें से आग लगी है। क्या चीज से लगी? किस चीज़? बता तो ये रहे हैं कि इससे अपने इलेक्ट्रिक से।